ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा कि मैंने पूर्व में भी आपको देखा? हरी हरी, देखा है कन्या, अवश्य देखा है। नाथ, ये महादेव क्या कर रहे हैं? यदि वो अपना वास्तविक परिचय उजागर कर देंगे तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि वो कौन है, फिर वो देवी पार्वती की परीक्षा कैसे लेंगे? आप चिंता ना करें देवी, विश्वास रखिए महादेव पर, वो अवश्य कोई रोचक उत्तर देकर बहन पार्वती की जिज्ञासा को शांत करेंगे और उसके उपरांत उनकी परीक्षा भी लेंगे। हरी हरी, मेरा नाम कंथा है, श्री हरि नारायण की बड़ी भक्तिन हूँ। सदा भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति में मग्न यहाँ वहाँ यात्रा करती रहती हूँ। भक्त की भक्ति यदि सत्य हो तो भक्त में भगवान की और भगवान में भक्त की छवि दिखाई देती है, और भगवान से कौन परिचित नहीं है। इसलिए जीवन रूपी इस यात्रा में हम जोग जोगिन जिससे भी भेंट करते हैं उन्हें चिर परिचित प्रतीत होते हैं। हरी हरी। जीवन सुन पावन गाथा, नारायण की महिमा
दिया आधार हरि नाम अनंत हरि कथा अनंत धन्य हो जीवन सुन पावन कथा आधर्मी हिरण्य कश्यप का पुत्र महान नाम था उसका भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद को इस अधर्मी से बचाने प्रभु ने लिया नरसिंह अवतार हरि नाम अनंत हरि कथा अनंत धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा नारायण की महिमा अगम अपार पाप मिटाने हैं तू लिए अवतार सुनो सुनो महिमा नारायण का वामन अवतार तीनों लोक को मापा धरकर त्रिविक्रम आकार हरि नाम अनंत हरि कथा अनंत धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा नारायण की महिमा अगम अपार पाप मिटाने हैं तू लिए अवतार सुनो सुनो महिमा वीर्य अर्जुन को भी मारा जगन किया सबका अहंकार हरि नाम अनंत हरि कथा अनंत धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा नारायण की महिमा अगम अपार पाप मिटाने हैं तू लिए अवतार सुनो सुनो महिमा राम नाम के कारक मंत्र से गूंजेगा सारा संसार हरि नाम अनंत हरि कथा अनंत धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा नारायण की महिमा अगम अपार पाप मिटाने हैं तू लिए अवतार सुनो सुनो महिमा अधर्म धरा पर लेना पड़ा प्रभु को अवतार अधर्म पर धर्म को विजय दिलाने द्वापर में लेंगे कृष्णा अवतार हरि नाम अनंत हरि कथा अनंत धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा नारायण की महिमा अगम अपार पाप मिटाने हैं तू लिए अवतार सुनो सुनो महिमा होगी पाप की पराकाष्ठा तब लेंगे प्रभु कल की अवतार त्रेता युग का आरंभ करने कल युग में हरि का अंतिम अवतार हरि नाम अनंत हरि कथा अनंत धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा नारायण की महिमा अगम अपार पाप मिटाने हैं तू लिए अवतार जोगन को देखकर मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे इनसे मैं किसी न किसी प्रकार से परिचित तो कोई एक है जो विशेष है
जिससे विवाह करने की इच्छा है तुम्हारी? माता, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो महादेव की पत्नी बनने की अधिकारी हो। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। नहीं जोगिनी माता, हमने हमारी पुत्री के लिए किसी विशेष वर का चुनाव नहीं किया है, किंतु हम हमारी पुत्री पार्वती के लिए एक अति उत्तम वर को ढूंढ रहे हैं। हरी हरी हरी, वर आप नहीं ढूंढेंगे महाराज, क्योंकि प्रत्येक कन्या का वर उसका भाग्य पूर्व में ही निर्धारित कर देता है, और आपकी कन्या को तो उसका भाग्य ज्ञात भी हो गया है। क्यों पुत्री, तुम्हारे मन में उसकी छवि है ना, जिसे तुम पति रूप में पाना चाहती हो? देखा, मैंने कहा था ना, कन्या को तो भली भांति ज्ञात है कौन होगा इसका पति, किंतु किसी अन्य को बताया नहीं कन्या ने, और उचित भी है, क्योंकि बताने का लाभ ही क्या है। मैं कुछ समझी नहीं जोगन माता। तनिक अपना हाथ तो दिखाओ कन्या। ऐसा क्यों आभास हो रहा है मुझे, जैसे स्पर्श से मैं पूर्व काल से ही परिचित हूँ। ये जोकन मुझे ऐसा आभास करा रही है जैसे दीर्घ काल से ही मेरे प्रेम और समर्पण का किसी से अटूट नाता हो। क्या हुआ जोगन माता? वही महारानी जो मेरा अनुमान था। इतनी सरलता से अपने पति का साथ नहीं पा पाएगी कन्या। वो आपकी कन्या का भाग्य नहीं, क्योंकि उसके लिए इसे 3000 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होगी। कठोर तप जो कन्या के हृदय में वास करते हैं, उन्हें कठोर तप कर प्रसन्न करना होगा, तभी विवाह होगा राजकुमारी का। ये आपको बताना मेरा दायित्व था, जो अब पूर्ण हुआ। अब मैं जाती हूँ। हरी हरी हरी।
पार्वती, तुम रो रही हो, क्या हुआ? ये अश्रु क्यों है तुम्हारे नेत्रों में? क्या नहीं माता, किंतु जोगिन माता को जाते थे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा कि कोई अत्यधिक समीपी मुझसे दूर जा रहा है। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद भी कि मैं अपनी तपस्या संपन्न कर सकूं। पुत्री, मैं तुम्हें रोक कर तुम्हें तुम्हारे भाग्य से दूर क्यों रखूं? सभी को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रयास करने का पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हें तुम्हारे इस अधिकार से वंचित कैसे रख सकता हूं? मां, मत जाओ पुत्री, हट मत करो, बड़ा कठिन होता है तब। तुम एक राजकुमारी हो, बचपन से ही समस्त सुख सुविधाओं में बड़ी हुई हो। वन में तपस्या में जो कष्ट होंगे उन्हें कैसे सहन कर पाओगी तुम? वन में वन्य जीवों के मध्य कैसे रह पाओगी तुम? ऐसे निर्जन स्थान पर मैं तो अपनी पुत्री की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। माँ, माँ, मुझे ना ही कोई भय है और ना ही राजभवन के किसी भी सुख की कोई लालसा, और मैं ये तपस्या अपने पति को पाने के लिए ही करने जा रही। माँ, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं ये तपस्या पूर्ण कर सकूं। प्रीत की सच्ची कहानी सब राज रंगों से परे, वो प्रेम की बातें करे, माने न जग की रीत को, ढूंढे वो मन में मीत को, रे शायरा रचने लगी। उमा, देवी मैना, जाने दीजिए पुत्री पार्वती को। जोगन माता ने उसका मार्गदर्शन किया है, महादेव को पाने हेतु उसका तपस्या करना अनिवार्य है। तप करने से उसे अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी, इसीलिए पुत्री पार्वती को मत रोकिए, उसे अपने पथ पर अग्रसर होने दीजिए। जाओ पुत्री। चलो विजया, पार्वती का ध्यान से उठने का समय होने वाला है।
चलो चलकर उसके लिए कुछ फल ले आते हैं। देवी आदि शक्ति अपनी तपस्या में लीन है, कहीं हमारे यहाँ होने का आभास न हो जाए उन्हें। अटासुर, यही है देवी आदि शक्ति? हाँ, यही यही है वो। कितने भीरु असुर हो तुम, एक साधारण नारी से डरते हो। साधारण नहीं, असाधारण है वो, क्योंकि मैं इनकी शक्ति का साक्षी रह चुका हूँ। अच्छा, तो अब तुम और ये देवी आदि शक्ति मेरी शक्ति के साक्षी बनोगे, जो मेरे लिए अति उत्तम भी है, क्योंकि मैं इस नारी का वध कर महाराज तारकासुर के समक्ष तुम्हें एक मूर्ख और दुर्बल असुर प्रमाणित कर दूंगा। ये विस्मयी असुर, किंतु ये लौट सकेगा अथवा नहीं, ये ज्ञात नहीं मुझे। मूर्ख, मैं क्यों भयभीत हो रहा था? अब बता सकते हो मुझे, दुर्बल मैं हूं या तुम? वर्षा, ग्रीष्म और शीत ऋतुएं आती जाती रहीं, किंतु माता अपने स्थान पर स्थिर पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करती रहीं। प्रथम वर्ष तो उन्होंने फलाहार कर अपना तप किया, किंतु द्वितीय वर्ष से उन्होंने फलों का भी परित्याग कर दिया। अब वो मात्र वृक्षों के पर्ण अर्थात उनके पत्तों का भोजन प्राप्त कर तप में लीन रहने लगी, और जैसे जैसे माता का तप और भी कठोर होता गया, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से एक प्रचंड ऊर्जा प्रस्फुटित होने लगी। इस मध्य दुष्ट तारकासुर माता की तपस्या भंग करने की मंशा से अपने अनेकों असुरों को भेजता रहा, किंतु वे बार बार असफल होते रहे। और फिर एक दिवस तारकासुर ने अपने अनुचर अट्टासुर के साथ माता के समक्ष जाने के लिए भेज दिया और एक नवीन असुर को। जाओ मूर्ख जाओ, तुम भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लो। एक और मूर्ख असुर का अंत हुआ, इसकी सूचना भी दे देता हूं महाराज तारकासुर को। पार्वती, ये लो पर्ण। और फिर एक समय ऐसा भी आया
जब माता ने पर्ण अर्थात पत्तों के आहार का भी परित्याग कर दिया। और अब वो निराहार रहकर ही तपस्या कर रही थी और जिस कारण देवताओं ने उन्हें एक और नाम दिया, अपर्णा। स्वामी, देवी पार्वती की कितनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं महादेव। हाँ प्रिय, ईश्वर की प्राप्ति का तो एक ही मार्ग तपस्या, और मुझे पूर्ण विश्वास कि देवी पार्वती कठोर तप के पश्चात अपने ईश्वर को प्राप्त कर ही लेंगी। पार्वती, ये तो परीक्षा का एक आरंभ मात्र है तुम्हारे लिए। ऐसी कई परीक्षाओं का सामना करना तो भी शेष है तुम्हारा।